आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट टू। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है वो आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्ज क्वांटाइज्ड मीन्स क्वांटम शब्द ही एक पैकेट के सेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है, जैसे लाइट्स एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के बंडल्स पॉइंट शुड बी नोटेड, बंडल्स एक समूह एक ग्रुप हो रहा होता है। उसी तरीके से जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी जो है छोटे 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 क्वार्क्सों के जो है ग्रुप्स, जिसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉन्स कह रहे होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लोग कह रहे होते हैं कि वो क्या है एक्चुअली में क्वांटाइज है। बेसिकली जो है एक बात समझाना चाहता हूँ कि किसी भी बॉडी से चार्ज निकालने के लिए सबसे मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन्स ही निकल सकते हैं, या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, सो ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से सिमिलरली वो आ भी सकते हैं, इसलिए जो है क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्यू का वैल्यू प्लस माइनस एन ई हो जा रहा होता है। और मैं आपको बता दूँ कि क्यू यहाँ पर चार्ज है और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई एक इलेक्ट्रॉन पर जो वैल्यू होता है चार्ज का वो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। शॉर्ट में मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग चार्ज आपके इस रूप में लाई नहीं कर सकते हैं, लाइक 1.5 इलेक्ट्रॉन्स, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स, 1/2 इलेक्ट्रॉन्स, समथिंग सो ऑन। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बेसिकली हो सकते हैं, 1/3 इलेक्ट्रॉन्स, 2/3 इलेक्ट्रॉन्स, 7/5 इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे जो है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऐसा चार्ज एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है। तो रियल में चार्ज कैसा एग्जिस्ट कर सकता है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन के फॉर्म में कर सकता है, यही हमारा क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हम लोग बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे, कंसेप्ट तो सिंपल सा इतना है, बट इस पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सवाल देखते हैं कि इनको कैसे डिजाइन किया जा रहा होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि कोई एक बॉडी है, कोई बच्चा है जो भूसे में खेल के आ रहे हैं, भूसा ग्रामीण क्षेत्र में मिल जा रहा होता है, भूसे से खेल करके आ रहे हैं और उनके बॉडी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ बाहर आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकल जा रहे हैं, तो बाहर निकलने मैंने आपको बताया था कि वो बॉडी के अगर होते हैं पॉजिटिव्स हो जा रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से नेगेटिविटी बाहर आ जा रहे होते हैं तो बच जाते हैं पॉजिटिविटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि तुम सवाल को बनाना कैसे, तो वो बॉडी कितना चार्ज हो गया है, क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो मैं एक सवाल डिजाइन कर रहा हूँ, तो आप यदि क्यू का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो प्लस माइनस एन ही होगा, और चूंकि बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं इसलिए प्लस होगा, और एन कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना वैल्यू होता है तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्स वैल्यू होते हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1.6 और पावर जो है 10 का ऐड हो जाएगा, तो माइनस 19 में 3 ऐड हो जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, मीन्स इस पे चार्ज जो है प्लस 1.6×10⁻⁶ कूलम्ब हो जा रहा होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यही चलता हूँ, क्योंकि इस पे इस बेस पे सवाल पे, और एक बात ध्यान रखिए कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट का बस सबसे बड़ा कोई फार्मूला है तो क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ए है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ए है। एक सवाल ऐसे पूछा जाता है, एक सवाल करिए कि आपसे ऐसा परेशान कर रहा होगा कि कोई भी बॉडी है तो उस बॉडी को ब्लैंकेट से भी रगड़ दिया जाए, मीन्स कंबल से क्या कर दिया जाए, रगड़ दिया जाए, रेसा वाला कंबल जो सॉफ्ट कंबल्स होते हैं उनसे यदि उनको रगड़ दिया जाए तो उनके बॉडी पर सपोज थाउजेंड्स या 10,000 जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इनकमिंग, तो पूछा जाता है इनका बॉडी कितना चार्ज हो जाएगा।
तो आप देखेंगे क्यू बराबर क्या हो रहा होता है, प्लस माइनस एन यूज हो रहा होता है। और मैंने बोला कि जाने के सेंस में हम लोग प्लस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब किसी बॉडी पर आ जाते हैं तो माइनस का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही है, यहाँ माइनस लेंगे, एन कितने ले जा रहे हैं 10,000 × 10^1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.2 × 10^-19 कूलम्ब। जब सॉल्व करेंगे आप तो ये होगा माइनस, और 10^4 ये तो 4 है एक्चुअली में, और यहाँ पर 1.6 × 10^-19 तो ये माइनस 1.6 और 10^4 इसमें ऐड करेंगे तो ये 15 को नॉर्म समझेंगे। ये दूसरा सवाल था, एक सवाल कभी कभी ऐसे पूछे जा रहे होते हैं कि कोई ऐसा ही कोई ग्रामीण एक्टिविटीज हुआ हो और उस एक्टिविटीज में किसी का बॉडी एक्चुअली कितना हो गया हो, 1C से चार्ज हो गया हो, 1 कूलम्ब से चार्ज हो गया हो, तो पूछे जा रहे होते हैं कि आखिर उनके बॉडी से और 1+ कूलम्ब चार्ज हो गया हो तो उनके बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि क्यू बराबर क्या हो रहा होता है, फार्मूला प्लस माइनस है नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन आप जानते हैं 1 कूलम्ब से बॉडी चार्ज हो रहे होते हैं, और पूछ लिए जा रहे होते हैं एक्चुअली में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, कितने इलेक्ट्रॉन्स उनके बॉडी से बाहर गए हैं। तो देख रहे हैं इसमें एक सिंपल फार्मूला मैंने लगा दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एन ई वन, एन का वैल्यू मालूम नहीं होता है बट ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10^-19 कूलम्ब। और यहाँ से यदि आप एन फाइंड करना चाहेंगे तो 1/1.6 × 10^-19 हो जाएंगे, और यदि आप सॉल्व करना चाहेंगे तो नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा 10^19, यहाँ 1.6, यदि आप पॉइंट देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 1/16, यदि आप एक 10 यहाँ भी देंगे तो 100 हो जाएगा और 10^18 हो जाएगा। लेकिन 16 को यदि 100 से आप डिवाइड करेंगे 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये डाटा यदि आपको याद होता है तो आप बड़े बड़े सवाल को क्या कर जाएंगे, बहुत ईजीली बना पाएंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या किसी बॉडी के 1 कूलम्ब के चार्ज होने से, किसी बॉडी का 1 कूलम्ब से चार्ज होने पर उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलते हैं, 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन। तो आप सोचो कि कोई बॉडी x कूलम्ब से चार्ज है, कोई बॉडी है जिनका चार्ज प्लस x कूलम्ब से चार्ज है, तो उससे कितने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो आप जानते हैं कि q इक्वल टू क्या होते हैं, प्लस एन ई यदि इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक कूलम्ब से चार्ज होने पर कितना निकल रहा होता है, इतना हो रहा होता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नंबर निकाल सकता हूँ, मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ कि हमेशा 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एक्स ये कर देंगे, आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा जैसे 10 कूलम्ब, एक सवाल जैसे आपको दे दे कि कोई बॉडी 10 कूलम्ब से चार्ज हो गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो आप जानते हैं एक कूलम्ब से जब होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, 10 और 18 हो रहे होते हैं, तो यहाँ 10 कूलम्ब से चार्ज हो रहा है इसके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6.25 × 10^19 हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ, जब आपको एक इलेक्ट्रॉन से निकलने का सवाल बता हो रहा होता है और सोचो कोई बॉडी 100 कूलम्ब से चार्ज हो गया, 100 कूलम्ब से चार्ज मीन्स -100 कूलम्ब से चार्ज हो गया हो, तो जो है उनके बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है, तो मुझे पता होता है एक इलेक्ट्रॉन से 1 कूलम्ब से जब चार्ज कोई बॉडी हो रहा होता है तो 10^18 हो रहे होते हैं बेसिकली। लेकिन हमारा ये बॉडी 100 से हुआ है इसलिए 100 टाइम्स हो जाएगा इसलिए, और ये एन कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, एन किस में होता है पॉजिटिव में होता है। तो ये आपका सवाल 6.25 × 10^20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाता है। एक सवाल जो बहुत इंटरेस्टिंग जो 10th के कॉन्सेप्ट को लिंक करके पूछे जा रहे हैं इधर, वो मैं आपको बताता हूँ। कहेगा कि एक वायर है, इसमें जो है 10 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, टाइम जो है 5 सेकंड तक हो रहा है, या ऐसा करो 1 मिनट तक हो रहा है, 1 मिनट तक जो है 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है किसी एक वायर से, तो पूछ देगा कि इस दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहे होते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो रहा होता है। तो बस आपको ध्यान देना है कि आई इक्वल टू कितना होता है, q/v होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि क्यू का वैल्यू कितना होता है, एन ही होता है, इसलिए डी हो जाएगा। इसे जब आप एन फाइंड करेंगे तो i×t/e हो जा रहा होगा, तो i का वैल्यू जानते हैं कि 10 एम्पीयर है, टाइम जानते हैं 1 मिनट्स है, तो हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 60 सेकेंड, अब 60 सेकेंड रखेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10^-19 कूलम्ब्स हो रहे होते हैं। आप इनको सॉल्व कर लेंगे जो भी होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे पास कर रहे होंगे, और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता इसलिए ध्यान रखना है आपको नंबर में कोई यूनिट्स नहीं देना है। तो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स है इस कंक्लूजन में, जैसे आपको क्यू बराबर क्या याद रखना है, प्लस माइनस एन
ये सवाल सारे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा एक चीज़ याद रखना है, कूलम्ब के सेंस में स्पेशली एन के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 और मल्टीप्लाइड क्यू, कितने कूलम्ब से चार्ज हो रहे हैं, क्यू इन कूलम्ब होना चाहिए। तीसरा एक कंक्लूजन इस सवाल में क्या रहा है, यदि आपको एन आई के टर्म में दिया जा रहा है तो आप डायरेक्टली ट्रिकली आई इंटू डी डिवाइडेड बाय ई लगा सकते हैं, बट आई इन एम्पेयर होना चाहिए, दूसरी बात है जी इन सेकेंड होना चाहिए, और ई तो हम लोगों को पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम्ब्स हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको मैं लेके चलता हूँ, पास वाला है लेकिन दोस्तों मैं नेक्स्ट आपको एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन चार्ज पे जो है बेसिकली इस तरह के ही प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे होते हैं, बाकी इतना कंसेप्ट यदि आपके ब्रेन में है तो सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट एक सेकेंड प्रॉपर्टीज जो चार्ज के हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण क्या रहा होता है, जिस तरह से एनर्जी कंजर्व होते हैं उसी तरीके से हमारा चार्ज भी कंजर्व होता है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट एंड नेदर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सिमिलर उसी तरीके से चार्ज को भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल चार्ज एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहे होते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि चार्ज डेवलप करने से पहले भी जो होते हैं और डेवलप करने के बाद भी क्या होते हैं शून्य हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा जा रहा हूँ कि कोई बॉडी ए और बॉडी बी अभी फिलहाल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन रब करने के बाद जितना बॉडी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं उतना ही बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। रबिंग के पहले फिर से समझने को इसको कि ये रबिंग के पहले अभी भी हमारा क्यू नेट इन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब रगड़ देते हैं तो भी हमारा बॉडी क्या हो जाना होता है, जितना ये प्लस चार्ज हो जाते हैं उतना ही ये माइनस चार्ज हो जाते हैं। अभी भी यदि आप क्यू नेट को देखेंगे तो ये फाइनली जीरो होगा, क्योंकि जितना ये प्लस है उतना ही ये माइनस है। इसलिए कहा जाता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएट एंड नेदर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऐसे बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट जैसे हम लोग कह रहे होते हैं एन ए सी एल एक केमिस्ट्री के सेंस में मैं बताना चाहता हूँ कि ये अभी भी इन पर चार्ज क्यूनेट कितना है, जीरो है, लेकिन जब इनको हम लोग इक्वेशन में डाल के आयनाइज करते हैं, इक्वेशन सॉल्यूशन में डाल के आयनाइज करेंगे तो एन ए पे जितना प्लस चार्ज होंगे प्लस सी एल पे उतना ही माइनस चार्ज होते हैं। पूरे गौर से देखेंगे तो अभी भी इस सिस्टम का क्यू नेट कितना है, जीरो है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएट एंड नेदर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल्स में कैसे करते हैं ये जानने वाली बात है। जैसे आपके पास कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कई पॉइंट्स हैं, सपोज मैंने 4 पॉइंट्स ले लिया, किसी पर 4 क्यू है, किसी पर -3 क्यू है, किसी पर +7 क्यू है और किसी पर +2 क्यू है। तो अभी इस सिस्टम का क्यू नेट कितना है, क्यू नेट रिस्पेक्ट टू साइन हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर्टीज हम लेंगे कि चार्ज एक एडिटिव नेचर को फॉलो कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस सबको ऐड कर देते हैं तो ++4 और 2 6 6 और 3 इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 7 हो तो 10, मीन्स इसका 10 क्यू चार्ज हमारे पास है। लेकिन अभी सिस्टम को कुछ ऐसा किया गया और कुछ दूसरे सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे सपोज यहाँ पर 10 क्यू दे दिए गए, यहाँ पर -20 क्यू दे दिए गए दूसरे पॉइंट पे, और यहाँ पर पता नहीं है कि कितने क्यू दे दिए गए हैं। इस पॉइंट के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर इस पॉइंट पर कितने चार्ज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज एक्चुअली में क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, चार्ज ना बनते हैं ना नष्ट होते हैं। इस पॉइंट पर चार्ज कितना होगा, इस सिस्टम का रेट कितना है, 10 है। तो क्या इस सिस्टम को इसी से कन्वर्ट्स किए गए हैं,
बिल्कुल दिए गए हैं। जब इसी से जब कन्वर्ट्स किए जा रहे होंगे, इस सिस्टम का भी क्यूनेट कितना होगा? शून्य, मतलब बराबर होंगे। इनका भी क्यूनेट कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। बट यहाँ पे 10 है, यहाँ -20 है, बचा कितना? -20 -10। लेकिन हमको कितना चाहिए? +10। तो क्या इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? +20 होना चाहिए। जब तक +20 नहीं होगा, तब तक इस सिस्टम का क्यूनेट +10 क्यों नहीं होगा? तो छोटे छोटे से रिलेक्सेशन से जो है हमारा क्या हो जा रहा होता है, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि चार्ज एडिटिव नेचर को सॉल्व कर रहा होता है। तीसरा जो करेक्टर्स है चार्ज का, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में से जो जितना का नियम होता है, ये कुछ न्यू नहीं है, बस सिंपल है। चार्ज को जोड़ने का प्रॉपर्टी मान लेते हैं, कोई सिस्टम है जिसमें क्या है, +Q1 है, -Q2 है, +Q3 है, so on, इसी तरह से +Qn है। तो आपको जब इनका क्यूनेट की बातें हो रही होगी तो विद रिस्पेक्ट टू साइन ऐड करना है। जैसे यहाँ पर Q1 प्लस में है, Q2 माइनस में है, Q3 प्लस में है, बाकी शो वन जिस भी नेचर को वो शो कर रहा होगा उसे जब हम लोग क्या कर दे रहे होते हैं, ऐड कर दे रहे होते हैं क्यूनेट्स के लिए। इसमें भी आप प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, बना सकते हैं। जैसे मैं प्रॉब्लम्स लेता हूँ कि कोई एक सिस्टम्स है, इस सिस्टम में कुछ चार्जेस अवेलेबल हैं, मीन्स 1Q +2Q -3Q +4Q और -6Q। आप कह देगा कि इस सिस्टम का क्यूनेट कितना है, तो क्यूनेट के लिए आप जानते हैं ये एडिटिव इन नेचर को शो कर रहा होता है, तो आपको बस सबको साइन के साथ ऐड कर देना है, क्योंकि एडिटिव प्रिंसिपल ऑफ चार्ज क्या कह रहे होते हैं, सबको रिस्पेक्ट टू साइन ऐड कर देना है। इनको ऐड कर देते हैं तो ये 1Q हो जाएगा, +2Q हो जाएगा, -3Q हो जाएगा, +4Q हो जाएगा, -6Q हो जाएगा। ये माइनस माइनस कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, और ये 4 और 2 6 और 7, मीन्स कितना हो जाएगा? -2Q हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप एडिटिव प्रिंसिपल ऑफ चार्ज को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट जो हम लोग एक जो प्रॉपर्टीज है चार्ज का, कि चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर सकता है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है या नेचर है वो वेलोसिटी पर डिपेंड है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा होता है क्योंकि एक करेक्टर आपको पता होना चाहिए कि मास जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वो m0√1 - c2v2/c2 हो रहे होते हैं। ये रेस्ट मास होते हैं। कोई बॉडी जब रेस्ट में होते हैं तो उनका मास जो हो रहा होता है वो m0 हो रहा होता है। v वेलोसिटी ऑफ बॉडी होते हैं और c स्पीड ऑफ लाइट होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। इनका वैल्यू आप सबको पता ही होगा, 3×10⁸ मीटर पर एस होते हैं। ये भी एक कनेक्टेड है कि सी का वैल्यू कैसे निकाले जा रहा होता है वो हम लोग बात करेंगे कभी, अभी छोड़ देता हूँ रिलेटिविटी नहीं है यहाँ पे। तो कहा जाता है कि मास जो है स्पीड ऑफ वेलोसिटी और बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन हमारा जो चार्ज का जो वैल्यू है वो वेलोसिटी से बिल्कुल परे होते हैं। उनको किसी भी तरह के वेलोसिटी से कोई तरह का लेना देना नहीं होता है, उनका नेचर नहीं बदलते हैं, उनका मैग्नीट्यूड नहीं बदलते हैं, लेकिन मास का जो है मैग्नीट्यूड बदल जा रहे होते हैं। मास का मैग्नीट्यूड जो है हमारा क्या हो जा रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। लेकिन डेली लाइफ में ऐसा हम लोग को अनुभव नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग सी के कंपेयर में बहुत छोटे स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कोई भी लोग यदि 100 मीटर पर ऐसे भी रन कर रहा है तो वो v²c² के कंपैरिजन में मच लेस है, क्योंकि c का वैल्यू हमारा 3×10⁸ है। तो इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जा रहा होता है, बहुत छोटे जा रहा होता है। तो बहुत छोटा को यदि बहुत बड़ा सा डिवाइड करेंगे तो एजेट उसका वैल्यू क्या हो जा रहा होगा, 0 हो जा रहा होगा, और 1 में 0 करेंगे तो 1 ही होगा। इसलिए उनका वैल्यू जो रेस्ट में अनुभव कर रहे होते हैं वही कर रहे होते हैं। लेकिन सपोज जब आप क्या कर रहे होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वैसे कंडीशन में बी और सी दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आ जा रहा होता है, मतलब एक रिलेटिवली आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए ई के बराबर सी के बराबर हो गया, ए भी हो गया, बेसिकली ये 1 हो जाएगा हमारा, और 1 यदि हो जाएगा तो माइनस करके 0 हो जाएगा, और 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो वो एज एट इन्फिनिटी को जन्म दे रहा होगा, जो आप एहसास नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटी को फील नहीं किया जा सकता है,
मीन्स एनर्जी में कन्वर्जन हो गया होगा। तो ये चीज़ केवल और केवल मास के साथ काम कर रहा होता है, चार्ज पर ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं डिपेंड कर रहा होता है, मीन्स चार्ज पर कोई भी वेलोसिटी का कंसेप्ट काम नहीं कर रहे होते हैं। तो फिलहाल नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज के भी आपके सामने आने